मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। अगर तुझे लड़का पसंद आए तो रिश्ता पक्का कर दे। हिरम भी तो शादी के लायक हो रही है। ठीक है, तू आने दे उसे। कोई फायदा नहीं पंडित चाचा। क्यों हिरम बेटी? उस्मान भाईजान भी खूब समझा कर गए थे, लेकिन निसार भाईजान किसी की सुनते ही नहीं है। तुम हिरम हो? जी हाँ, मेरा ही नाम हिरम है। कितनी प्यारी बच्ची है। मगर चाची जान, हिरम का रिश्ता तो हो चुका है। बिल्कुल सही पहचाना पुत्र, खास काम ही है। अब देखिए ना, अगर रेखा बहन हमारे इस गेस्ट हाउस पर नॉवल लिखेंगी तो इस काम में वक्त लगेगा और आपको यहाँ जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं रम जी, हम लोग झगड़ नहीं रहे हैं। मैं तो इन लेखिका महोदय के जज्बात जान रहा था। हिरम जी, मनीष बहुत अच्छे इंसान हैं, औरत जात की बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, हमने लव मैरिज जरूर की है मगर दोनों परिवारों की मर्जी से। वेरी गुड, अल्लाह आप लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मनीष ने तो तय कर रखा था कि अगर हम में से किसी के भी माँ बाप शादी के लिए नहीं माने तो हम दोनों शादी ही नहीं करेंगे। आप दोनों खानदानी हैं, आप दोनों के ख्यालातों से भला कौन इत्तेफाक नहीं रखेगा। हिरम जी, अगर आपके इरादे और ख्यालात ठीक हों तो आपका कोई विरोध नहीं कर सकता। और फिर तो हमारे परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता था कि उनके बच्चे कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे भी देर बहुत हो चुकी है, चलिए अंदर चल के आराम कीजिए आप थोड़ी देर, मैं आपका रूम तैयार करती हूँ। चलिए चलिए आइए। चुप रहो। जी फरमाइए। मैडम, आप इस गेस्ट हाउस की मालकिन हैं? जी जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? दरअसल हमें एक डबल बेड वाला अच्छा सा कमरा चाहिए। तुम चुप रहो। जी आप ही कहिए। मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे डॉक्टर ने किसी खुली जगह पर रहने को कहा है। जी इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तुम चुप रहो। मैडम आपका नाम और पता? जी मेरा नाम छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा है। तुम चुप रहो। जी जी। मैडम हम लोग लखनऊ से आए हैं, ये रहा हमारा शिनाख्ती कार्ड। जी मैडम। मैडम आप ऊपर की मंजिल का कमरा लेना पसंद करेंगी, जहाँ से कुदरत का हसीन नज़ारा नजर आता है, या नीचे की मंजिल का? नहीं मैडम, मैं ऊपर का कमरा नहीं ले सकती हूँ, कतई नहीं, क्योंकि मैं सीढ़ियाँ तो चढ़ ही नहीं पाती हूँ ना। ठीक है मैडम, मैं नीचे का कमरा बुक कर देती हूँ। एक मिनट मैडम।
आप मुझे ये बताइए कि आपके गेस्ट हाउस के पास कोई डॉक्टर है? जी असल में ये मेरी बेगम के सेहत का मामला है, तो आसपास डॉक्टर होना जरूरी है। तुम चुप रहो। जी आप कहिए। आप बेफिक्र रहिए, शहर में कई काबिल डॉक्टर हैं। अब मैं आपका कमरा बुक कर दूं मैडम? ऐसे कैसे कमरा बुक कर दूं? पहले आप डॉक्टर को फोन लगाइए, मैं देखूंगी कि डॉक्टर कितनी देर में यहाँ आता है। दरअसल ये मेरी बेगम की सेहत का मामला है। तुम चुप रहो, फिर बोले बीच में। जी जी जी। ऐसे कैसे फोन करके बुला लूं? मैडम क्या आप डॉक्टर की स्पीड देखकर कमरा बुक कराएंगी? खुदा ना खास्ता अगर आपको जरूरत पड़ी तो डॉक्टर वक्त पर आ जाएगा। बेगम आप इत्मीनान रखिए। तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना। जी जी। मैडम आपकी बात पे भरोसा करके मैं कमरा बुक करा रही हूँ। बेगम तुम चुप करो। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सिस्टर के पास जाके मेरे नाश्ते का ऑर्डर दे दो। मेरे भूख के मारे कलेजा खुरच रहा है। तब तक मुझे एक सेब दे दो। हाँ हाँ। ये लो सेब। अब कहाँ चल दिए? अरे सिस्टर को बुलाने नाश्ते के लिए। आप सिस्टर को यहीं बुला के लाइए, मैं खुद से अपने नाश्ते का ऑर्डर दूंगी और उसे बताऊंगी उसे क्या क्या लाना है। ठीक है। अरे यूं हवाई घोड़े पे सवार होके कहाँ जा रहे हो? पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। थर्मस में जो दूध है उसमें बॉर्नविटा मिलाया क्या? हाँ हाँ बेगम ये लो ये लो। इस मर्द को कभी बीवी की परवाह नहीं रही, कभी नहीं पूछा कि बेगम तुम्हें क्या चाहिए। जो भी जिंदगी में करवाया ठोक ठोक के करवाया। अब क्या खड़े खड़े मेरे घूंट गिनते रहोगे या सिस्टर को भी बुला के लाओगे? जाके सिस्टर को बुलाओ। ठीक है ठीक है। मैडम मेरी बेगम नाश्ते का ऑर्डर देना चाहती हैं। जी नाश्ता तैयार हो रहा है, बस अभी पहुंच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दरअसल वो आपको बुला रही हैं, उन्हें अपनी मर्जी का नाश्ता चाहिए, सो अपना ऑर्डर वो खुद देंगे। जी ठीक है चलिए। बेगम बेगम मैं तुम्हारा शौहर। अरे अल्लाह हिफाजत करे, मैं तो डर ही गई थी। अल्लाह मैडम आपको नाश्ते में क्या क्या चाहिए? सिस्टर मेरे लिए आप नाश्ते में 6 उबले हुए अंडे, 4 अंडों का ऑमलेट और एक बड़ी सी ब्रेड और एक जग भर के चाय का। और हाँ थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिएगा, क्योंकि अगर नाश्ते में थोड़ी सी भी देर होती है तो मुझे घबराहट होने लगती है। जी जनाब आपके लिए? मेरे लिए एक कप। तुम चुप रहो। ठीक है। हाँ सिस्टर इनके लिए 2 पीस ब्रेड के सिके हुए,
उन पे चटनी लगा के और एक चाय का कप अलग से। चटनी? हाँ हाँ वही सास बहू। सॉस? हाँ हाँ वही, क्या कहते हैं। ओके तुम चुप रहो। अब ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? बैठो मेरे सामने। जब तक नाश्ता नहीं आता तब तक आप मेरे खानदान वालों को खत लिख दो। ठीक। और उन्हें मेरे बीमारी की इतलाह दे दो। जी बेगम। दाखाने से कार्ड लाए थे क्या? हाँ बेगम मैं लाया था। बस जी बेगम करते रहोगे। लिखो, तुम्हारी हमशेरा को डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, घबराहट यानी कि बड़े आदमियों की बीमारी बख्शी है। अल्लाह का शुक्र है, हम गरीब हुए तो क्या हुआ, बीमारी तो बड़े आदमियों वाली दी है और हमें इस बात का फक्र है। और डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए भी मना किया है और हाँ एक हिदायत दी है कि कुछ दिनों के लिए किसी साफ सुथरी जगह पर जाके रहो। इसीलिए आजकल हम पहाड़ के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। गेस्ट हाउस में आकर रह रही हूँ। अरे पूरा खत पढ़ के सुनाओगे कि बस यूं ही कहते रहोगे? जी बेगम, तुम्हारी हमशीरा को डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर, शुगर, टेंशन, घबराहट यानी कि बड़े आदमियों वाली बीमारी अल्लाह ने मुझे दी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम गरीब हैं। तो क्या अल्लाह ने बीमारी तो बड़े आदमियों वाली दी है ना, यही हमारे लिए फक्र की बात है। डॉक्टरों ने चलने फिरने के लिए मना किया है और किसी साफ सुथरी जगह पर सुथरे माहौल में रहने की हिदायत दी है, इसीलिए पहाड़ के गेस्ट हाउस में रह रही हूँ। अब ठीक है, अब एक तरफ बैठकर सारे पोस्ट कार्ड लिख कर डाकखाने में डालो। ये लीजिए मैम, ये रहा आपका नाश्ता और जनाब आपका भी। सिस्टर सुनिए। जी फरमाइए। यहाँ डाकखाना कहाँ है? क्यों आपको कोई लिफाफे या डाक टिकट मंगवाने हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे ये खत डाकखाने में डलवाने हैं। ये खत आपको डाकखाने के डिब्बे में डलवाने हैं? जी जी जी। मैम एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये कार्ड्स क्या किसी दावतनामे के हैं? अरे नहीं नहीं, ये खत तो मैंने अपने खानदान वालों के लिए लिखवाए हैं ताकि उनको भी मेरी तबीयत के बारे में पता चल जाए। जी मैम लाइए मैं डलवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अपना सारा काम इन्हीं से करवाती हूँ क्योंकि मुझे इत्मीनान रहता है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। बेगम मैं नाश्ता कर लूँ और फिर खत डालूंगा। ठीक है, नाश्ता जल्दी जल्दी कर लो। रामू तू अखबार अब लाया है? तेरा दिन उल्टा निकलता है क्या, जो सुबह का अखबार शाम को लाता है? पता है भाईजान नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि वक्त पर अखबार ना लाए तो अखबार बंद कर दो। अरे तू फिर खड़े खड़े सो गया, तू पागल है क्या? क्या हुआ बीबी जी? एक तो सुबह का अखबार शाम को लाता है, ऊपर से दो दो तीन तीन दिन पुराना अखबार ले आता है, तू आधा पागल है। जी बीबी जी, बीबी जी अब अखबार कोई समोसा या पकोड़े तो है नहीं जो हाथ लगा के देख लूं कि ताजे है कि बासी। एक काम कीजिए बीबी जी, आप देख लीजिए और देखिए कौन सा ताजा है और कौन सा बासी। पता नहीं इसमें आज का अखबार है भी कि नहीं। हाँ ये रहा। रामू तू खड़े खड़े फिर सो गया? रामू अरे पप्पू की माँ अब तो मुझे सोने दो, अरे कपड़े भी धो दिए, आटा भी गूंथ दिया। क्या बकवास लगा रखी है,
माफ करना बीबी जी, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। रात में तेरी नींद पूरी नहीं होती क्या, जो खड़े खड़े सो जाता है? अरे क्या बताऊं बीबी जी, बताइए, लोग शादी करते हैं आराम के लिए, पर मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। रात के 12-12 बजे तक खाना पकाओ, फिर बर्तन धो, फिर हाथ पांव बीबी के दबाकर उसे सुलाओ, और सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, फिर कपड़े धो, फिर घर घर जाके ये अखबार दो। बताइए बीबी जी। क्यों, तेरी बीबी घर का काम नहीं करती है क्या? करती है ना, सिर्फ दो ही काम करती है, एक खाना खाने के और दूसरा मुझे मारने के। तो फिर तूने ऐसी निखट्टू बीबी से शादी क्यों की? वो बीबी जी, वो अब बोल भी। वो बात ऐसी है कि वो सुंदर बहुत है। चल अपनी बकवास बंद कर और अखबार उठा, अभी भी नींद में है। उठाता हूँ। लो, अच्छा बीबी जी। और निसार साहब, कैसे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए, गेस्ट हाउस में सब खैरियत तो है? अल्लाह का फजल है साहब, जब तक आप जैसे नेक और ईमानदार इंस्पेक्टर इस इलाके में हैं, तो क्या बुरा हो सकता है? खबर है कई गैर कानूनी काम करने वाले लोग आज सरगर्मी पर हैं। गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों के पेपर जरा ध्यान से चेक कीजिए। अरे इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगा। निसार साहब, गेस्ट हाउस की एक रूटीन चेकिंग करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे अरे जरूर, प्लीज। आप कैसे अंदर आए? आपकी हिम्मत कैसे आई? और किससे पूछ के आप अंदर आए? आपको ये नहीं दिखा कि एक मोहतरमा यहाँ अकेली बैठी है और आप अंदर ही घुसे चले आ रहे? क्या बात है मैडम? क्या अरे देखो तो, हम यहाँ बैठे हैं बिना इजाजत अंदर ही घुसे चले आ रहे। मैडम आप घबराइए नहीं, पुलिस अपनी रूटीन चेकअप पर है, गेस्ट हाउस में कोई चोर उचक्का ना घुस जाए, इसलिए वो अपने रूटीन चेकअप के लिए आई है। अरे हम आपको चोर उचक्के नजर आते हैं? अरे हमारा तो शिजरा लखनऊ के नवाबों से मिलता है, समझे? कोई बात नहीं मैम, हम अपनी ड्यूटी पर हैं, हमारी तरफ से आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। मैडम अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब आप आराम से आराम कीजिए। सिस्टर मुझे एक गिलास दूध ला के दीजिए, वो भी बोर्नविटा डाल के, बहुत टेंशन हो गई है। अरे मैडम हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, देखिए आपके लिए पहले से ही यहाँ पर लाकर रखा हुआ है, आप इसे आराम से पीजिए और सुकून से सो जाइए। अरे पापा जी आप आइए बैठिए। पापा जी क्या बात है? पापा जी सब खैरियत से है ना? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। निसार पुत्र, परेशानी पूछकर नहीं आती। क्या हुआ पापा जी? अभी कुछ महीने पहले तो रविंदर की शादी की थी। जी पापा जी। ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक उनको ना दी हो? फिर क्या हुआ? निसार पुत्र, दामाद तो बहुत ही
शरीफ और नेक इंसान है, मगर उसकी मां रविंदर पर जोर जुल्म ढाती थी और उसे कहती थी कि तेरे बाप ने जितना कहा था, जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, उतना कुछ नहीं दिया दहेज में। इसका मतलब पापा जी, रविंदर बहन के ससुराल वाले बहुत ही घटिया इंसान निकले। बस रविंदर की जान बच गई। रविंदर की सास ने दामाद को बहला फुसला कर इस बात पर राजी कर लिया कि रविंदर को जलाकर मार देते हैं वो, और उसकी दोबारा शादी किसी दौलत वाले से कर देते हैं जो अपने साथ बहुत सारी दौलत सोना चांदी लेकर आएगी। अच्छा, बस रविंदर की सास रविंदर को जलाने की प्लानिंग कर रही थी कि सुनो जी, बहू बर्तन धोकर रसोई में खाना बनाने जा रही है, बस यही सही मौका है अपना काम करने का। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, पर देखो सारा काम बड़ी होशियारी से करना है ताकि मोहल्ले वाले और पुलिस वाले भी इस बात की तस्दीक ना कर पाए कि जलाकर मार दी गई है या इत्तेफाकन हादसे का शिकार हुई है। लेकिन माँ ये तो पाप है। ओए तू पाप के चक्कर में मत पड़ करतार, खानदानी लड़की है, बड़े घराने की तौर तरीके जानती है। ओए करतारिया सोच, हमारी गिनती भी शाही खानदानों में होगी, आस पड़ोस में हमारा भी रुतबा बढ़ेगा पुत्र, सोच करतारिया सोच। मगर तुम मगर वगर के चक्कर में मत पड़, हम तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहते हैं, चुप कर। चलो जी। बस माँ बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे इस दरिंदगी भरे खूनी खेल को सुनते सुनते। तू पाप का ये खूनी खेल खेलना क्यों चाहती है? तू अपनी माँ के साथ जबान चला रहा है, उस माँ से जो दिन रात सोते जाते बस एक ही सपना देखती है कि अपने पुत्र जी के जीवन को स्वर्ग कैसे बनाए। तुझे जरा भी एहसास है कि मैंने तेरी शादी के लिए कितने बड़े बड़े सपने देखे थे? मैंने तो बड़ा घराना देखकर तेरी शादी उस कलमुही से की थी, सोचा था घर में आएगी, ढेर सारा दहेज लाएगी और हमारे घर को चार चांद लगा देगी। लेकिन इसने तो चार चांद तो क्या, हमारे घर को ग्रहण लगा दिया। एक बात बता माँ, रविंदर कौर के बाद अगर तू दूसरी बहू लाई और वो भी तेरी हवस के मुताबिक दहेज नहीं लाई तो क्या तू उसे भी जलाकर मार देगी? फिर तीसरी बहू लाएगी, ये खून का दरिंदगी भरा खेल तू कब तक खेलती रहेगी? नहीं माँ नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। लो, मेरे पेट से जन्म लेकर मेरी छांव के पेड़ पे लात मार रहा है। पुत्र जी, समाज में इज्जतदार और दौलतमंद बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है, और वैसे भी ये सब तो अब समाज का हिस्सा बन गया है। देख मेरी बात मान, तू उसे किसी तरह बहला फुसला कर वापिस ले आ। देख मेरी ममता तुम्हारे लिए दूसरी बहू लाने के लिए तड़प रही है,